रम्तु लबरक अल्हमदिल्लबिलामिन वलत वसलम रसोल कर करीम आबाद महतरम नाजरीन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन इस्लामिक प्रस्पेक्टिव आज हम आखिरी एपिसोड में पहुँचे हैं अपनी बात को आगाज़ करने से पहले मैं आपको पर्सनलिटी डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में एक छोटा सा वाक़ा सुनाऊँगा वाक़ कुछ यूँ है कि एक वाल बैठे हुए मताल करते हैं यानी किताब पढ़ते हैं बुक रीडिंग करते हुए बैठते हैं तो वहाँ पर उनका छोटा सा बच्चा होता है जो उनके पास आकर उनको यानी जैसा आप छोटे बच्चे होते हैं सताते हैं तो उनको सताने के लिए आता है उनसे कुछ चीज़ें मांगता है तो वो बच्चे से परेशान होते हैं वो समझते हैं उसको पहली मरतबा भेज देते हैं तो फिर वो दूसरी मरतबा आता है और वालिद के साथ कुछ अपनी बातें रखता है वालिद को सताने लगता है तो दोबारा उसको भेजते हैं जब तीसरी मरतबा वो आता है तो वालिद उसको ये सोचते हैं कि बच्चा जब तक मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा आता रहेगा मुझे सताता रहेगा लिहाजा मैं उसे कोई काम में बिज़ी कर दूँगा यानी मैं उसको किसी ना किसी काम में बिज़ी कर दूँगा तो वो जाते हैं एक अखबार लेते हैं जिस पर बहुत सारी तस्वीर उतरी हुई होती हैं यानी कहीं पर पहाड़ है कहीं पर झाड़ है कहीं पर समझिए बिल्डिंगें उतरी हुई हैं कहीं पर नदी बह रही है तो इस तरह की एक तस्वीर वो लेते हैं और तस्वीर के टुकड़े कर देते हैं उसको फाड़ कर बच्चे के हाथ में देते हैं कि इस तस्वीर को तुम जोड़ दो यानी उसको जैसी वो थी पहले उसी तरह उसको जोड़ कर दिखाओ वो ये समझते हैं कि चलो मुझे अब फुरस्त मिल गई बच्चा अब इसको जोड़ नहीं पाएगा एक बड़ा आदमी भी अगर हो जो उसको जोड़ सकता हो तो उसको भी कम से कम दो से तीन घंटे लग जाएंगे उसको जोड़ने के लिए और ये बच्चे से तो छोटे बच्चे से तो नामुमकिन है तो आ जाते हैं बैठते हैं अपना मुताला करते हुए तो दस से पंद्रह मिनट नहीं गुजरते कि दोबारा बच्चा आ जाता है दोबारा बच्चा आता है तो वो पूछते हैं कि क्या तुमने वो काम कर दिया जो मैंने कहा था तो वो कहता है कि हाँ मैंने तस्वीर मुकम्मल जोड़ दी तो वालिद बड़े हैरान हो जाते हैं कि इतना मुश्किल काम जो कि एक बड़ा आदमी अक्लमंद शख्स भी इतने देर में कर सकता था इस छोटे बच्चे ने कैसा वो मुमकिन बना दिया तो वह जाकर जब देखते हैं तो तस्वीर हूँ बहू वैसे ही होती है जैसा कि उससे पहले थी जब वो देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं पूछते हैं कि अ बच्चे तुमने कैसे काम मुकम्मल कर दिया तो वो कहता है कि इतना ये मुश्किल काम था मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उतरी हुई थी और हर चीज़ के टुकड़े हो चुके थे मैंने ये तमाम माशरा जो वहाँ पर मिसाल के तौर पर वो मुआरह था एक माहौल वो था तो उस सोसाइटी थी उस सोसाइटी के तस्वीर को मैंने जोड़ा है तो उस तस्वीर के पिछले हिस्से में मैंने देखा कि एक इंसान की फ़ोटो उतरी हुई थी देखिए बच्चा कैसे बनाया है उसने कि एक पीछे इंसान की फ़ोटो जुड़ी हुई थी इंसान की फ़ोटो को मैंने जुड़ाया तो ख़ुद ब खुद यहाँ का माशर जो था यहाँ की जो सोसाइटी थी वो बिल्कुल सीधी हो गई तो इस वाक़े से हमको ये सबक मिला कि इंसान अगर अपनी शख्सियत को बेहतर बनाएगा इंसान अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा या इंसान अपनी जगह पर बेहतर हो जाएगा हर इंसान जब अपनी जगह बेहतर हो जाएगा तो यकीनन इंसानों की जो सोसाइटी है हमारा जो माशरा है यकीनन वो बेहतर हो सकता है तो यही अहमियत है और यही अहमियत की वजह से हम आपको बताना चाहते हैं कि पर्सनालिटीज़ को डेवलप करें और पर्सनालिटीज़ को डेवलप करें तो क्यों करें और किस नज़रिए से करें तो इस्लामी नज़रिए से हम करें अगर हमारी पर्सनालिटीज़ डेवलप होंगी तो यकीन हम आख़िरत में भी कामयाब होंगे और हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे तो आप देखिए मैं आपको टेन टिप्स ऐसे बताऊँगा जो कि हमारी पर्सनलिटीज़ को डेवलप कर सकती हैं पहली चीज़ इंसान की पर्सनलिटी को डेवलप करने के लिए जो ज़रूरी है वह इंसान का मारफत नफ्स है यानी इंसान अपने आप को जाने इंसान अपने आप को पहचाने बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी ख़ूबी को नहीं पहचान पाते जो बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वो ये नहीं समझ पाते टेंथ तक वो स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वो कौन सा सब्जेक्ट है या वो कौन सी फील्ड है जिसमें ये महारत हासिल कर सकते हैं बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जो ये नहीं समझ पाते कि वो दीन के कौन से इल्म में अपने आप को मुतस बना सकते हैं तो यही वजह है कि इंसान अपने आप को नहीं पहचान पाता जब इंसान अपने आप को पहचान लें इंसान मार्फत नफ्स अगर उसको मिल जाए तो यकीनन वो दुनिया में कामयाब हो जाएगा देखिए इंसान के पास सलाहियतें होंगी इंसान के पास बहुत सारी अच्छी सिफ़ात होंगी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता उसकी वजह यही है कि इंसान अपने आप को नहीं पहचान पाता कि मैं क्या हूँ मैं कौन सा काम बेहतर तरीक़े से कर सकता हूँ मैं कौन सा काम बेहतरीन अंदाज़ से अंजाम दे सकता हूँ देखिए मेरे भाइयों अरबी का बहुत ही मशहूर मुहावरा है कुछ लोगों ने कहा कि यह हदीस है लेकिन वो बहुत सारे उलमा ने इसके ओवफ़ की बात कही तो उसमें कहा गया कि मैं ननफ़स हूँ फ़कद और कि जो इंसान अपने आप को पहचान ले जो इंसान को अपनी मारफ़त नफ्स हासिल हो जाए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नफ्स को पालेगा यानी अल्लाह आलमीन की मारिफत उसको हासिल हो जाएगी तो देखिए इंसान अपने आप को पहचाने इंसान सबसे पहली सबसे पहला स्टेप यही है कि इंसान अपने आप को पहचाने वरना ऐसा हो जाएगा कि इंसान का इंसान की ख्वाहिश तो किसी और फील्ड में थी वो किसी और फील्ड में शौक़ रखता था लेकिन उसको किसी और फील्ड में एडमिशन करवा दिया गया तो वो नाकाम हो जाएगा वो कितनी बड़ी फ़ील्ड क्यों ना हो लेकिन अगर उसका शौक़ उसमें ना हो तो यकीन वो शख्स नाकाम हो जाएगा हालांकि वो बड़ी जॉब कर रहा होगा बड़े एक पोस्ट तक वो पहुँच जाएगा लेकिन इंसान उसमें अपने आप को कम्फर्ट नहीं कर पाएगा यानी इंसान अपने आप को उसमें अपने आप को उसमें बेहतर नहीं समझ पाएगा तो देखिए मेरे भाइयों जो पहला स्टेप है इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए वो यह है कि इंसान अपने आप को पहचाने इंसान को उसका मारिफत नफ्स हो इंसान ये ना समझे कि मैं अब मुख्तलिफूम मेरे सामने हैं, मुख्तलिफ़ फील्ड्स मेरे सामने हैं, मैं जो भी ले लूँगा मेरे लिए कामयाब हो जाऊँगा बल्कि ये समझे अपने आप से पूछे इंसान तन्हाई में बैठ कर अपने आप से बातचीत करे अपने से जो मामला करे अपने आप को जज करें कि मैं कौन सी चीज़ में कामयाब हो सकता हूँ और अल्लाह के रसोल सिंदगी में आप देखें आप सल्लम को नबूत मिलने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लम काफ़ी महीनों तक कभी आता है कि एक एक महीना अल्लाह के रसुल ग़ा ले लेते सत्तू और पानी लेते और जाकर गार ही हिरा में बैठा करते थे सल्लम मारिफत नफ्स वहाँ पर हासिल कर रहे थे सल्लम मालूम कर रहे थे कि मैं क्या काम दुनिया के लिए कर सकता हूँ और आपसे सल्लम का वो मारिफत नफ्स था सल्लम ने अपने आप को पहचाना और अपने आप को पहचान कर आपसे वसम के सामने बहुत सारी मुश्किल आई थी जब आप वसम को नबूत का काम का आगाज़ करना था बहुत सारी मुश्किल आई लेकिन आपसे वसलम एक मिनट के लिए नहीं रुके कभी आपने पीछे मुड़ नहीं देखा हमेशा आपल्लम आगे बढ़ते गए और यही चीज़ है मेरे भाइयों हमारे अपने आप को हमें अपने मारिफत हासिल करनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं और यह सिर्फ यह नहीं कि बंदा अपने आप को पहचानने की कोशिश करे बल्कि घर वाले उसके हैं वालदान उसके हैं उसके असा हैं उसका स्टाफ जो होगा वो सारे लोग उसको बताएं कि तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी काबिलियत हम ये देखते हैं यानी तुम्हारे अंदर साइंस में तुम माहिर हो कोई कहे कि तुम मैथमेटिक्स में माहिर हो जो चीज़ उसके अंदर अच्छी देखते हैं जिस चीज़ का शौक़ हम उसके अंदर देखते हो उसकी तरफ उसके रहनुमाई करने की कोशिश करें बहुत इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए फ़र्स्ट स्टेप हम ये कह सकते हैं बस यही कि इंसान अपने आप को जान ले अपने आप को पहचान ले जब इंसान अपने आप को जान लेगा जब अपनी फील्ड को मुतिन कर लेगा यकीन वहाँ से इंसान के पर्सनैलिटी को डेवलप करने का जो सफ़र है उसका वहाँ से आगाज़ हो जाएगा इंसान वहाँ से आगे बढ़ता चला जाएगा इसके बाद मेरे भाई जो दूसरी चीज़ है इंसान के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए दूसरा जो स्टेप है वो ये कि इंसान मकसद को पाले यानी इंसान को एक मकसद बनाए इंसान बे मकसद ज़िंदगी अगर इंसान गुजारेगा तो उस इंसान वो कितना कामयाब क्यों ना हो वह नाकाम इंसान है यानी उसके पास पैसा हो दौलत हो उसके पास यानी समझिए बहुत सारी नियमतें उसके पास सिमट कर आ जाएँ लेकिन अगर इंसान के पास मकसद ना हो तो वह इंसान नाकाम इंसान कहलाएगा नाकाम कैसे होगा इंसान दुनिया में आया है तो एक मकसद के लिए केबूल आलमी ने उसको पैदा फ़रमाया है बे मकसद हम ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते बे मक़द हम तो छोड़ो हम तो छोड़ें कि जो कायनत में दो दूसरे मखलूक़ात पाई जाती हैं वो मखलूक़ात भी बे मकसद ज़िंदगी नहीं गुज़ारती उनका भी कोई ना कोई मकसद है उस मकसद के लिए वो ज़िंदगी गुजारते हैं अगर इंसान मकसद मतन न करे अगर इंसान अपना एक एम ना रखे अपना एक गोल मुतन ना करे तो इंसान ऐसा ये होगा कि इंसान कभी इस फील्ड में जाएगा वहाँ से नाकाम होगा तो कोई और फील्ड अख्तियार करेगा वहां पर अगर उसको नाकामी मिले तो कहीं और चला जाएगा आज हम देखें हमारे जो नौजवान हैं वो नौजवान अक्सर यही मामला उनका है अपने मकसद वो मुतन नहीं कर पाते वो बैचलर्स तक कर लेते हैं वो इंजीनियरिंग उनका कंप्लीट हो जाता है वो डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन इसके बाद वो नहीं समझ पाते कि हम करें तो क्या करें उनके अपने आप को वो फील्ड को मुतिन नहीं कर पाते वो अपने मकसद को नहीं पा सकते उसकी वजह यही है कि आज हमारे दरमियान मकसद मुतन नहीं हो पाता आज मेरे भाइयों देखिए इसकी बहुत बड़ी कमी हमारे जिंदगी में पाई जाती है आज उस भी नहीं बताते कि किसी एक का मकसद मुतन हो आज इस पर हमारी तकरीरें नहीं होती आज हमारी स्पीचेस नहीं होती कि हम अपने नौजवानों को मकसद से आशना करवाएँ आज हमारा नौजवान अगर मकसद पा लेगा यकीन तो वो बेकार के कामों में जिंदगी नहीं गुजारेगा आज देखिए यहूदी जो साजिशें हैं हमारे मुसलमान नौजवानों के खिलाफ जो काम किए जा रहे हैं आज हमारा मुसलमान नौजवान ऐसा है कि जब फ़ोन खोलता है तो उसको अपना मकसद मालूम नहीं होता आज आप देखिए आप फोन इस्तेमाल कर रहे हों या कोई आप लिटरेचर पढ़ रहे हों तो आप अपने मकसद अगर आप मुतन कर लेंगे तो आप अपने मकसद के तहत किताबें चूज़ करेंगे आप अपने जो बुक्स होंगे तो आप अपने मकसद के तहत चूज़ करेंगे आप फ़ोन खोलेंगे तो जो वेबसाइट आप ओपन करेंगे अगर आपका मकसद तो आप खासतौर पर बेमकसदीडियो बनाने के लिए आज आप देखिए बीस से पंद्रह किलोमीटर पंद्रह से बीस किलोमीटर सफर करके नौजवान जाता है टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें वो खरीदता है क्यों टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए एक मरतबा उसने कोई लिबास खरीदा दूसरी वीडियो में वो लिबास आपको नजर नहीं आएगा वजह क्या है मेरे भाइयों देखिए बेमकस जिंदगी हम गुजार रहे हैं आप देखिए एक बैचलर्स कंप्लीट हो गया मास्टर्स कंप्लीट हो गया कुछ नौजवान तो ऐसे हैं कि पी उनका कंप्लीट हो जाता है आप उसके बाद उनको पूछें कि आप ये सब आपने किया आपने तकरीबन अट्ठारह से बीस साल आपने अपनी फील्ड में गुजारे आप करना क्या चाहते हैं आपका मकसद क्या है उसके बाद उसके सामने कोई वाज शक्ल नहीं होती वो कहते हैं कि हम फलाँ कर लेंगे हम फलाँ कर लेंगे अगर मेरे ये ये रास्ता होगा तो मैं ये करूँगा अगर मैं ये करूंगा अगर अगर सारी चीज़ें हमारी अगर में गुजर रही हैं अगर मेरे भाई ये नहीं होना चाहिए हम अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें हम अपने आप को पहचाने के मैं क्या कर सकता हूँ अपना मकसद मुतिन करें और उस मकसद के लिए आप अगर आप निकल जाएंगे तो यकीन हमारे नौजवान आज कामयाब होंगे आज हमारे नौजवानों को जो यहूदी साजिशें हैं आज हमारे नौजवानों को इसी सिलसिले में वो गुमराह कर रहे हैं उनको मकसद नहीं मिल रहा आज आज, आज आप देखें हमारे मुस्लिम नौजवान खास तौर पर हैदराबाद की अगर मैं बात कहूँ कि वो अब कोई बंदा है जो इंटर कर रहा हो या ग्रेजुएशन कर रहा हो उससे पूछा जाए कि तुम ये क्यों कर रहे हो वो कहता है कि मुझे सऊदी जाकर कमाना है मुझे सऊदी में जॉब करनी है सऊदी में जॉब करना ये हमारे लिए अकुपेशन वाली बात नहीं आज हमारा प्रोफेशनल क्या है आज हम प्रोफेशन को अपने आप को मुतायन करें आज हमारा मकसद क्या है हम मकसद को मुतयन करेंगे हमको सारे लोगों का मकसद ये है कि हम उम्मत के लिए अम्मत की खिदमत करने के लिए हम आए हैं कोई अपना मकसद मुतिन कर ले कि हम अपनी उम्मत की जो खदमत है वो अंजाम देंगे और उसके लिए हम रास्ता इख्तियार करें वे मुख्तलि ने रखे हैं इल्म का है यानी दीनी इल्म अगर हम इख्तियार करेंगे तो हम उम्मत की रहनुमाई करने वाले बन जाएंगे उम्मत की खिदमत हम करने वाले हो जाएंगे अगर हम लॉ पढ़ने वाले होंगे तो हम लॉ के ज़रिए उम्मत की खिदमत करेंगे यक़ीन जो आज सच को झूठ और झूठ को सच बताकर बयान किया जा रहा है हक़ को बातिल करके दिखाया जा रहा है आज हमारे नौजवान अगर लॉ करने वाले होंगे आज हमारे नौजवान लॉयर्स होंगे तो यकीन वहां पर सच्चाई को फैलाने वाले होंगे आज हमारे इंजीनियर अगर बेहतर होंगे तो यकीन वो दीन की खिदमत करने वाले होंगे आप पूछेंगे कि कैसा करेंगे दीन की खिदमत मेरे देखिए एक आलिम हर फील्ड में नहीं जा सकता एक आलिम जो इंजीनियरों की जो मीटिंग होती है जो बिजनेस मैनों की मीटिंग होती है वहाँ पर एक आलिम नहीं जा सकता वहाँ पर जाकर वो दीन की बात उनको नहीं बता सकता अगर उन्हीं में से कोई इंजीनियर ऐसा हो जो दीन की तालीम हासिल करने वाला हो तो यक़ीन उसके दर्म, उनके दरमियान उसकी इज़्ज़त होगी उसका वक़ार होगा और अगर वह उसके कुछ बोल बोल देगा दीन के सिलसिले में तो वह उसको पलकों पर उठा कर लेंगे सुबह अल्लाह देखिए आज हमारे लिए ज़रूरी है कि मुस्लिम नौजवान अपना मकसद मुतन करें इसी सिलसिले में बताना चाहता हूँ कि हम अपनी पर्सनैलिटीज़ को डेवलप करें तो अपने मकसद मुतायिन करें बगैर मकसद के अगर कोई इंसान ज़िंदगी गुज़ार रहा हो तो अल्लाह रब्बुल ला अल्लामी ने कहा कि वैसा इंसान कल अनाम है यानी वो छोपायों की तरह है बल्हुम अदल अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने कहा कि उनसे गया गुज़रा वो शख्स है क्यों उसको मालूम नहीं कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ मेरे पैदा किए जाने का मकसद क्या है मैं तलीमी हासिल कर रहा हूँ लेकिन मेरी तालीम हासिल करने का मकसद क्या है मैं पी एच डी कर रहा हूँ लेकिन मेरे पी एच डी करने का मकसद क्या है मैं ग्रेजुएशन अंजाम दे रहा हूँ लेकिन ग्रेजुएशन करने का मकसद क्या है कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जॉब चढ़ जाते हैं जॉब इख्तियार करने के बाद भी उनको मालूम नहीं होता कि वो मकसद क्यों है उन्होंने इतनी तालीम क्यों हासिल की मेरे भाइयों हम बेमकसद अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम आवारा जो लोग होते हैं या जो समझिए आप आप आवारा जो समझिए जो अन होते हैं जो चौपाए होते हैं उस तरह की ज़िंदगी हमारी हो जाएगी पहले मेरे भाइयों मुस्लिम नौजवानों से ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी अपने मकसद को मुतिन करो अपने मकसद को मुतिन करो ये आवारगी की ज़िंदगी हम छोड़ें ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ आई हम उसको देखते बैठ गए मुख्तलिफ सीरियल्स आ रहे हैं मुस्लिम नौजवान अपना वक्त उसके पीछे ख़राब कर रहे हैं मुख्तलिफ गेम्स आ रही हैं उसके पीछे मुस्लिम नौजवान हमारा वक्त खराब कर रहे हैं अगर उनका मकसद कोई होता तो मकसद के पीछे वो लग जाते उनका कोई मकसद नहीं है वो क्या करना चाहते हैं कोई उनके सामने नहीं टाइम मैनेजमेंट उनके पास नहीं है ये सारी चीजें हैं जो हमारे मुस्लिम, मुस्लिम नौजवानों को हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो हमारा मुस्लिम यूथ है उनको पर्सनालिटीज़ को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं मेरे भाइयों मकसद मुतयन करने की कोशिश करो ये फ़र्स्ट स्टेप है पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो उसके बाद मकसद मतिन करो यकीन हम कामयाब होंगे मकसद मुतयन करने के बाद देखिए उसके बाद फ्यूचर मैनेजमेंट हमको करना है यानी मनसूबाबंदी हमको करना है फ्यूचर प्लानिंग हमको करना है कि हम इसको इख्तियार करने में हम किन किन रास्तों से हमको गुजरना होगा कौन सी मुश्किल मेरे सामने आएंगी और कैसे मुश्किलों को कैसे मुझे फ़ेस करना है आज देखिए मेरे भाइयों कि हम काफ़ी नौजवान ऐसे हैं जो माज़ी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ये कहते हैं कि माज़ी में ऐसा हुआ बहुत अच्छा इतने दिन हमारे बहुत अच्छे गुजरे ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था सिर्फ माजी में वो हैं पास्ट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं प्रेजेंट में उनके साथ क्या मामला हो रहा है उनको अच्छा नहीं लगता उनको ये समझ में नहीं आता मैं फला जगह पर ऐसा था वैसा किया करता था 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 इसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं मुझे आगे क्या करना है मुझे आगे किन नक्शों पर चलना है मेरा फ्यूचर कैसा होगा इस सिलसिले में उनको कोई सोचते नहीं है इस सिलसिले में उनको कोई सोचो विचार नहीं करते मेरे भाइयों फ्यूचर प्लानिंग हमको करनी है देखिए फ्यूचर प्लानिंग अल्लाह हैबालमी ने हमको क्या बतलाया है कि फ्यूचर प्लानिंग कैसे हमको करनी है अल्लाह रबालमी ने कुरान मजीद में सूरत नमल नाजिल की सुबह अल्लाह अल्लाह ताला ने तूरत नमल नाजिल की अब देखिए कोई अगर बंदा कह सकता है कि चूटे के नाम से अल्लाह ताला ने तूरत क्यों रखी देखिये ला रबालमिन हमको बताना चाहता है कि जो चूंटी होती है वो कैसे फ्यूचर प्लानिंग करती है एक चूंटी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि वो जब दाने चुनती है तब तो जाना जा, दाने वो जमा करती है छः महीने तक वो दाने अपनी ज़ा जमा करती है और जो बारिशों का मौसम होता है उसमें अपनी बिल में वो आराम करती है वहाँ से वो ग़ा हासिल करती है खाती है ज़ा तो जब आप देखें वो दाने जमा करती है तो दाने अगर हम ज़मीन में डालेंगे बारिश का मौसम होगा तो वह दाने क्या होंगे झाड़ जा, की शकल में जो पौधे की शक्ल में आगे बढ़कर आ जाएंगे जमीन पर वो पौधे बन के शकल आ जाएंगे और वहां से जड़ें फुटना शुरू हो जाएंगी उसको तो वहां से देखिए तो चूंटी क्या करती है ज़मीन ही उसका चीज़ है ज़मीन ही वो उसका घर है ज़मीन में रहती है ज़मीन में बिल बनाने के साथ साथ वो ये करती है जब दाने को लाती हैं तो दाने को टुकड़े टुकड़े कर कर रखती है क्यों अगर दाना एक शक्ल में होगा अगर वो अकेला होगा अगर वो सही सालिम शक्ल में होगा तो वहाँ से पौधे का आगाज़ हो जाएगा वहाँ से जड़ें फूटनी शुरू हो जाएंगी तो अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हुए छः महीने तक गज़ा जमा करती हैं अपने सरमा के मौसम में और बारिशों के मौसम में अपने आप को बचाने के लिए देखिए जब चूटी कर सकती है जिसके पास अकल नहीं है जिसके पास समझ नहीं है और आज मुस्लिम नौजवान देखिए बग़ैर मकसद के बग़ैर फ्यूचर प्लानिंग के हम जिंदगी गुजार रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों आप मुस्लिम नौजवान हैं तो फ्यूचर प्लानिंग आप करें ऐसे ना हो कि आप सिर्फ माजी में ज़िंदगी गुजार रहे हों फला मौके पर ऐसा था ऐसा था हमारे वालिद ऐसे थे हमारे वालिद इतने बड़े घर आने के थे आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला आप अपने आप को देखें मैंने क्या काम किया है और मुझे क्या काम करना चाहिए आज अपने आप को पहचानने की और अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने की कोशिश करें यकीन ये चीज़ इंसान को आगे ले जाने में और इंसान की पर्सनैलिटीज को डेवलप करने के लिए साबित होंगी मेरे भाइयों इसके बाद इसी से जुड़ती हुई एक और बात यह भी है कि इंसान अपने टाइम को मैनेज करे यानी इंसान अपने टाइम को मैनेज करे अगर इंसान ने अपना मकसद मुतन कर लिया मुझे फला मकसद हासिल करना है तो वो ये समझे कि मुझे ये मकसद मिलेगा तो मुझे तीन चार साल में यह मकसद मिल जाएगा या मैं मकसद हासिल करने के लिए मुझे दस साल लग जाएंगे ये टाइम मैनेजमेंट आज हम करने की जरूरत है आज देखिए कि कितने नौजवान ऐसे हैं जो तकरीबन बैकलॉग्स में हमारे नौजवानों की जिंदगी गुजर रही है ऐसी बात कड़वी लगेगी हमारे मुस्लिम नौजवानों को लेकिन यह हकीकत है कि काफ़ी मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिनके बैकलॉग्स हैं इंजीनियरिंग में उनके बैकलॉग्स हैं इतने बैकलॉग्स हैं कि जो इंजीनियरिंग चार से पाँच साल में खत्म होना था वो इंजीनियरिंग उनकी दस साल तक चल रही है देखिए कैसे हमारे मुस्लिम नौजवान हैं पॉलिटेक्निक है उसमें काफ़ी बैकलॉग्स ऐसे हैं जो पॉलिटेक्निक तीन साल में ख़त्म होना था वो पॉलिटेक्निक तकरीबन पाँच साल में या फिर छः साल में ख़त्म हो रहा है मेरे भाइयों हम समझने की कोशिश करें टाइम मैनेजमेंट हमारी ज़िंदगी में हो हमारे दिन में देखिए टाइम मैनेजमेंट के सिलसिले में कितना हमको उभारा गया कि कोई अब देखिए मिसाल के तौर पर हम नमाज़ों का मिसाल ले लें हम नमाज टाइम मैनेजमेंट के सिलसिले में कितनी बड़ी दर्स हमको देती है नमाज नमाज अगर हम वक्त से पहले पढ़ेंगे तभी अदा नहीं होगी और नमाज के वक्त एक वक्त खत्म होने के एक मिनट बाद भी अगर तो आप नमाज पढ़ना चाहेंगे तो वो आपकी नमाज अदा नहीं होगी वह सिर्फ अजा कहलाएगी आपकी नमाज नमाज के लिए वक्त मुतन है अगर आप जहर की नमाज फजर के मौके पर पढ़ना चाहें तो आपकी नमाज की नमाज नहीं कहलाएगी अगर वही जहर की नमाज आप असर की नमाज के मौके पर पढ़ना चाहें तो आपकी जहर की नमाज नहीं कहलाएगी तो देखिए मेरे भाइयों टाइम मैनेजमेंट के सिलसिले में दीन ने हमको कितना उभारा है आप रोजे की मिसाल ले लें रोजा शहरी हमको करना है तो रोजे के सिलसिले में अगर फजर की फजर का वक्त हो जाएगा तो आपकी वो सहरी सहरी नहीं कहलाएगी रोजा आपका आगाज होगा तो फजर की फजर के आगाज से हो जाएगा फजर की अजान से आपके रोजे का आगाज हो जाएगा उसके बाद अगर आप ये समझें कि मेरे रोजे को मैं आठ बजे से आगाज़ करना चाहता हूं तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा आप देखिए इफ्तार के मौके पर इफ्तार कुछ घंटे पहले अगर आप करना चाहें तो कोई आपको उसमें आपका रोज़ा वो नहीं कहलाएगा आपका रोज़ा वहां पर टूट जाएगा ये चीज़ें हमको अपने दीन से सीखनी है हम सम हम ये समझते हैं कि हम अपनी भूख बर्दाश्त करते हैं मेरे भाइयों ये सारी चीज़ें हमको रोज़े से सीखनी है अल्लाह रब्लमिन हमको ये दुरुस् देता है हमारे दीन से ये सारी चीज़ें हमको ये बतलाती हैं कि हम अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए अब टाइम मैनेजमेंट हमारी अगर ज़िंदगी में होगा मुझे फ़लाम मकसद मैंने मुतिन कर लिया फ़ला गोल मैंने मुतयन कर लिया उस गोल के लिए कितने स्टेप्स हो सकते हैं और वो स्टेप्स कितने सालों में मैं हासिल करूँगा कितने दिनों में या कितने महीनों में हासिल करूँगा ये सारा टाइम मैनेजमेंट हम बना कर रखें मेरे भाइयों देखे जो यहूदी हैं जो हम कहते हैं कि वह सबसे ख़राब कौम है उनके अंदर देखिए कितनी अच्छी चीज़ पाई जाती है वो सौ सौ साल का टाइम मैनेजमेंट बना लेते हैं वो सौ सौ साल की प्लानिंग कर लेते हैं अगले सौ साल में अगले पचास साल में हमको क्या क्या करना है हमारी नस्ल आएगी तो क्या क्या करेगी और आज मुसलमान देखिए किसी मुसलमान को ये नहीं मालूम कि अगले घंटे में अगले दिन में या अगले हफ़्ते में वो क्या करने वाला है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है मेरे भाइयों इस सिलसिले में हम सोचने की कोशिश करें हमारी पर्सनालिटीज़ जो डेवलप नहीं हो पा रही हैं उसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास मकसद तो होगा हमारे पास अपनी मारिफत तो होगी मैं क्या कर सकता हूँ मेरी क्या फील्ड है वो तो मालूम होगा लेकिन टाइम मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है इस सिलसिले में हम सोचने की कोशिश करें देखिए हम इस सिलसिले में अगर हम सोचेंगे तो यकीन अल्लाह रब्लामिन हमको कामयाब करेगा इस, इस, इसके बाद एक और मिसाल ये है कि इंसान के अंदर शौक़ और वलवला पाया जाए इंसान कोई मकसद बना ले तो उसको हासिल करने के लिए शौक़ उसके अंदर हो ऐसा जज्बा उसके अंदर हो जो कभी थमता ना हो देखिए जो लहरें होती हैं वो कभी थमती नहीं हैं तो इस तरह की लहरें हमारे दिल में हमारे दिल में लहरें आनी चाहिए हमेशा यानी जो मकसद मैंने मुतन किया है उस मकसद से कभी हटे नहीं हम कभी उस मकसद के जो हमारे मकसद हासिल करने के लिए जो हमने मुतन किया था वो मुतन कभी हमारा हटा नहीं इस सिलसिले में हमको सोचना चाहिए कि हम अपने हम जो हम हमने जो चीज़ें अपने लिए मुतिन की थी हमने फ्यूचर प्लानिंग जो की थी उस सिलसिले से हम कभी हटे नहीं और हमारे हमारे दिल में जो शौक़ उसके लिए पैदा हुआ था वो कभी ख़त्म ना हो कभी कम ना हो वो हमेशा बढ़ता रहे इस सिलसिले में हमको सोचना चाहिए देखिए मिसाल छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने दूंगा कि एक सूरज था सूरज डूबते हुए देखिए सूरज कितना है सूरज सारी कायनात को फायदा पहुंचाता है सारी कायनात को रोशनी बखशता है तो सूरज ने डूबते हुए पूछा कि मेरे बाद मेरी जगह कौन लेगा देखिए कैसा सवाल है सूरज ने पूछ सूरज पूछता है कि मेरी बात मेरी जगह कौन लेगा तो इसका जवाब किसके पास हो सकता है सूरज की जगह कौन ले सकता है सूरज जितनी रोशनी सूरज जितने फवायद दुनिया को कौन पहुंचा सकता है सारी कायनात को रोशन करने वाला पूछता है कि मेरे बाद मेरा जगह कौन लेगा तो एक टिमटिमाता हुआ दिया देखिए अब कैसे दिया था वो एक छोटी सी झोपड़ी में इतना दिया है कि झोपड़ी को वो रोशन नहीं कर सकता एक छोटी सी झोपड़ी को जो दिया रोशन नहीं कर सकता अगर तेज़ हवा चले तो वो दिया ख़त्म हो जाएगा उसकी कोई वक़ात नहीं होगी उसकी कोई हैसियत नहीं होगी ऐसा दिया कहता है कि मैं कोशिश करूँगा ये भी जो मैं कोशिश करूंगा है ये हमारे नौजवानों के दिलों में पैदा होना चाहिए यकीनन उस दिए को मालूम होगा यह हम भी जानते हैं कि वो दिया कभी भी उस सूरज के मुक़ाम हासिल नहीं कर सकता लेकिन फिर भी उसके दिल में ये उम्मीद है कि मैं कोशिश करूँगा ये जो कोशिश होनी चाहिए ये जो मेहनत होनी चाहिए यह हमारे नौजवानों के दिल में पैदा हो ये हमारे आने वाली नस्ल के अंदर पैदा हो ये हमारे मेरे अंदर और, और आपके अंदर पैदा हो इस सिलसिले में हमको सोचना चाहिए मेरे भाइयों देखिए टाइम मैनेजमेंट हमारे दिल में हो शौक़ और वलवला हमारे दिल में हो शौक़ हमारे दिल से कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए बल्कि हर हमेशा वो बढ़ता रहना चाहिए हमेशा वो बढ़ता रहे कभी शौक हमारे दिल में ख़त्म ना हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें सल्लम की जो उम्मीद थी आप आपलम पहले नबूवत के लिए आए तो आप पहले सुफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर अल्लाह के रसूल ने इस्लाम का इस्लाम की दावत दी तो वहीं पर आप को रोक दिया गया अगर वहाँ पर अल्लाह के रसुल उम्मीद हो जाते और का शौक़ ख़त्म हो जाता तो दिन हम तक कहाँ पहुँच पाता था आप को कहा गया कि तब बन नकैया मोहम्मद ए मोहम्मद अबू लहब ने कहा था ए मोहम्मद आपके हाथ पैर टूट जाए ना उजबिल्ला आप सल्लम वहाँ पर अगर ना ना, ना उम्मीद हो जाते मायूस हो जाते अगर अफ़सोस आप सल्लम करने लग जाते तो आप सल्लम कभी हमको दीन हम तक नहीं पहुँच पाता था आप सल्लम को जितने मुश्किल का सामना करना पड़ा उतना ही आप सल्लम का शौक़ बढ़ता गया अल्लाह मक् वालों ने आप सल्लम को रोकने के लिए बहुत सारी साजिशें की अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर वह मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चाँद भी कर रख दें तो मैं इस मकसद के कभी हटूँगा नहीं कभी मैं इस मकसद से पीछे नहीं हटूँगा अल्लाह देखिए वही मकसद हासिल करने के आपकी की जो तड़प थी जो जज्बा था जो शौक़ था हमेशा अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बढ़ता है आप सल्लम करीब के इलाके में जाते हैं जाकर वहाँ पर आप सल्लम ताइफ़ में वहाँ पर दीन इस्लाम की दावत देते हैं वहाँ पर लोग आप सल्लम को मार पीट कर वहाँ से वापस भेजते हैं नऊज़ुबिल्लाह जब भेजते हैं आप सल्लम दो पहाड़ों के दरमियान जब आकर बैठते हैं तो हज़रत जो जो पहाड़ों के फरिश्ते आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अगर आप हुक्म दें अगर आप इजाज़त दें आप सल अल्लाह ताली की जानिब से हुक्म हुआ है अगर आप इजाज़त देंगे तो यकीन इन दो पहाड़ों के दरमियान जो वादी है वादी ताइफ है इन दोनों को एक मिलिया मीट कर दिया जाएगा इनकी कोई है दुनिया में बाकी नहीं रहेगी दो तो पहाड़ों के दरमियान इनको रोन दिया जाएगा तो अल्लाह के रसूल कहते हैं देखिए उम्मीद देखिए आप सल्लम का शौक और वलवला देखिए आप सल्लम का जज्बा देखिए अल्लाह कैसा है अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ये आप सल्लम का देखिए उस वक्त हालत कैसी थी अल्लाह के रसूल मुफसरी ने यहाँ तक लिखा है तहत तारीख लिखने वालों ने आपकी की सीरत लिखने वालों ने लिखा है कि आप सल्लम के पैरों से इतना खून निकला था कि आप सल्लम के जूतों में वो जाकर जमा हो गया था आप सल्लम के शूज़ में खून है इतना आप सल्लम को दर्द उनसे मिला है इसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल का शौक कभी ख़त्म नहीं हुआ अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल कि वो कहते हैं फरिश्ते से मुखातब होकर कि अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो यकीन इनकी इनकी जो आने वाली नस्लें हैं ये लोग यकीन ईमान ला लेंगे तो आप सल्लम का ये जो शौक़ था मेरे भाई कभी ख़त्म नहीं हुआ था और अल्लाह के रसूल का ये जो शौक़ था आप सल्लम साहबा कराम के पास आया और यही साहबा कराम का शौक़ हमें इख्तियार करना है हम साहबा कराम की सीरत पढ़ेंगे अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ेंगे तो ये शौक़ हमको मिलेगा और अपनी पर्सनैलिटीज़ को हम सही तौर पर डेवलप कर पाएंगे इस तरह मेरे भाइयों एक और बात जो हमारी पर्सनालिटीज़ को डेवलप करने के लिए काफ़ी है वो ये है कि हम अपनी पर्सनालिटीज़ को डेवलप करने के सिलसिले में हम सोचें कि हम किताबों का मताल करें बुक्स हम रीड करें बुक्स जो होती हैं रीड बुकिंग अगर हम हॉबी डाल लेंगे तो यकीन इंसान कामयाब हो जाएगा आज देखिए हमारे नौजवानों का जो वक्त गुज़र रहा है मोबाइल पे काफ़ी वक्त गुज़रता है बेकार के कामों में वक्त गुज़रता है इसके बजाय अगर हम बुक रीडिंग की आदत डाल लेंगे अगर हम हॉबी हमारे अंदर आ जाएगी तो यकीन हम कामयाब हो जाएंगे आज नौजवान हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मुताल करने के बारे में सोचें अरबी में एक मशहूर मुहावरा है वो कहाँ करते हैं कि खैरजली सिफ़ी ज़माने की तबू के कायनात में सबसे बेहतरीन अगर हम किसी के साथ बैठ सकते हैं अगर हम हाँ सबसे बेहतरीन अगर कोई मजलिस में बैठने वाला दोस्त हमारा अगर कोई सबसे बेहतरीन है तो वो हमारी किताब है किताब हमको बहुत ज़्यादा फ़वायद पहुँचाती है मेरे नौजवान भाइयों में आपसे गुजारिश करना चाहूँगा सबसे पहले जो किताब हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाली है वो कुर मजीद है क़ुर मजीद को अपनी ज़िंदगी की हॉबी बना लो कुर मजीद को पढ़ने का आप सिलसिले में आपसे हमेशा जहन अपना जहन नशीन कर लो साहब कराम देखिए इसमर रजील्ला तस साल तक उन्होंने कहा कि हमको सुर बकरा याद करने और सूर्य बकरा हमको समझने के लिए दस साल लग गए थे दस साल लग गए तो अल्लाह तो देखिए उन्होंने कुरान कुरने सुर को उन्होंने कैसा अपनी ज़िंदगी की हॉबी बना ली थी वो समझते थे सुर बकरा सुबह शाम उठे बैठे वो पढ़ा करते थे सुर बकरा से बहुत से फ़वाद हासिल किया करते थे बहुत से मसाइल का इस्तेमाल किया करते थे और आज हमारे नौजवान ये समझते हैं कि कुरान मजीद सिर्फ़ तिलावत वाली कुरान रह गई है मेरे भाइयों हम कुरान मजीद को तिलावत करने वाले बन जाएँ जो हमारे बेनिफिशियल बुक्स हमारे लिए हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं उन बुक्स को हम पढ़ने वाले बन जाएँ उनको रीड करने वाले बन जाएँ तो यकीन हमारी पर्सनालिटीज़ डेवलप हो सकती हैं आज आप फ़ोन खोलेंगे तो फ़ोन खोलने के बाद आपको बहुत सारा कचरा आपको वहाँ पर मिलेगा इतना कचरा कि हम उसे नहीं निकल सकते आज हमारे लिए ज़रूरी है हम उन फ़ोन का भी बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अमेज़ान पर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं मख्तलिफसाइट्स हैं मकतबे शामिला है जहाँ पर इस्लामी किताबें आपको मिलेंगी उर्दू ज़ुबान में हों अंग्रेज़ी ज़ुबान में हों या फिर दिगर ज़िबानें जानने वाले हों तो वहाँ पर बहुत सारी किताबें मिलेंगी किताबें पढ़ने के आदि बन जाएँ यकीन हमारी ज़िंदियाँ बहुत बेहतर हो सकती हैं इसी तरह मेरे भाइयों एक और बात मैं बताना चाहूँगा ये है कि हमारी पर्सनलिटीज़ को डेवलप करने के लिए हम सिर्फ़ अपने बातिन की तरफ ख्याल ना करें बल्कि हम अपने जाहिर को भी बेहतर बनाने की कोशिश करें हम जिसमानी तौर पर भी बेहतर हों के रसूल वसम ने कहा मीनविय खैरू व अहब्बालामु मीनदीफ़ यानी एक बेहतरीन मुसलमान अल्लाह रब्लमी के नज़दीक सबसे पसंदीदा शख्स वो है यानी अल्लाह रब्लम के नज़दीक एक जो कवी मोमिन है जिस ताकतवर है जिसके पास ताकत है जिसका जिसम अच्छा है जिसका जिसम मजबूत है वल्ला ताली के नज़दीक पसंदीदा है उस मोमिन से उस ईमान लाने वाले से जो कि कमज़ोर है जिसने अपने आप को पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं किया यानी जो उसकी ज़ाहरी पर्सनैलिटी थी जो उसका जिसम था जिसम को भी हमको डेवलप करना है अच्छी ज़ा हमको लेनी है अच्छी चीज़ें हमको खानी है अगर हम अपनी को डेवलप करना चाहते हैं तो सिर्फ बातनी तौर पर नहीं हम सोच विचार के तौर पर नहीं बल्कि हम अपने खाने पीने में अपने झजा में और हम वॉकिंग करें हम मुखलिफ चीज़ें अख्तियार करें अपने जिसम को भी बेहतर बनाने के लिए यह भी हमारे लिए जरूरी है अल्लाह के रसोलसम की ज़िंदगी में आप देखें अल्लाह के रसूल वसमत आयशा रज़ी तथा दौड़ लगाया करते थे आपलम तीर चलाना अल्लाह के रसूल ने सीखा था घोड़ अल्लाह के रसोल वसलम को आया करती थी तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमको समझनी चाहिए आज देखें मुस्लिम नौजवान एक किलोमीटर तक नहीं चल सकते दो किलोमीटर तक नहीं चल सकते क्यों वो चलने के आदि नहीं हैं क्यों नहीं है मेरे भाई देखिए ये जो सुस्ती काहली हमारे अंदर आ रही है ये भी हमारी पर्सनालिटीज़ को डेवलप नहीं कर पाती हैं मुसलमान नौजवान ऐसा होना चाहिए अगर उसकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो पैदल निकल कर चला जाना चाहिए उस मकसद को हासिल करने के लिए हा हम किसी चीज़ के मोहताज ना रहें हम ये समझें कि बस मैं काफ़ी हूँ अपने मकसद हासिल करने के लिए कोई इसबा पर हम मुख्तफ इसबाब पर हिर्फ भरोसा करके ना बैठ जाएँ बल्कि अपने आप पर भरोसा रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखें अपने जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को बेहतर बनाने वाला बन जाएँ इसी तरह मेरे भाई आखिर दो बातें हैं वो ये कि आखिरी आखिरी आखिर से पहली वाली बात सेकंड लास्ट बात ये है कि हम अपने हौसला कभी ना खोएं हम पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो तो हौसला कभी ना खोएं हम अपना मकसद मुतिन करेंगे उसके लिए हम चल पड़ेंगे मुख्तलिफ रास्ते हम इख्तियार करेंगे लेकिन अगर किसी रास्ते में हमको नाकामी मिलेगी तो उस मौके पर हम अपने हौसले को कभी ना खोएं किसी ने क्या बेहतरीन बात कही थी अगर कोई बंदा आगे निकल जाता है कोई चीज़ हासिल करने के लिए अगर उसको वो चीज़ हासिल नहीं होती तो बंदा अपने आप को ये ना समझे कि मैं कम तर हो गया इस चीज़ से यानी अपने आप को हौसला अगर वो खो देगा वो सारी चीज़ें खो देगा अगर वो उसका हौसला बाकी रह जाएगा तो यकीन अपना वो सब कुछ खोने के बावजूद भी उसके पास सब कुछ है यकीन मेरे भाई देखिए एक छोटा सा वाक़ आपके सामने बयान कर दूँ देखिए कि एक पहाड़ तालाब के किनारे एक पहाड़ था पहाड़ ने अपने छोटे से टुकड़े को यानी पत्थर को अपने आप तालाब में गिराया तो देखिए तालाब के पत्थर पत्थर गिरने से तालाब में लहरें पड़ गई यानी तालाब के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां पैदा हो गई जो पानी रुका हुआ था वो पानी के अंदर लहरें आनी शुरू हो गई जब यह चीज़ एक झाड़ ने देखी तो झाड़ ने क्या किया अपने बहुत सारे पत्तों को गिराया वहाँ से एक टुकड़ा आया था पत्थर का जो गिरा जिसने सारे तालाब के अंदर हलचल मचा दी थी लेकिन यहाँ पर एक पत्ता यहाँ पर एक झाड़ अपने बहुत सारे पत्ते गिराता है लेकिन पत्ते गिरने के बाद तालाब के अंदर कोई चीज़ें पैदा नहीं होती कोई हलचल पैदा नहीं होती कोई तब्दीली उसके अंदर नहीं आती तो ये तालाब वहाँ पर जो झाड़ था वह अपने आप को कमतरी महसूस ना करें बल्कि उसके अंदर हौसला हो उसके अंदर हौसला हम मुस्लिम नौजवान ये समझें मुस्लिम नौजवान ये ना समझें कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो बड़ा मोटिवेशन स्पीकर है मैं उसकी तरह नहीं बन सकता वो बहुत आगे है मैं उसकी तरह नहीं बन सकता मेरे भाई आप उसकी फील्ड में नहीं बनेंगे तो अपनी फील्ड में आप आगे बढ़ने की कोशिश करें आप अपने अंदर एक यूनिकनेस पैदा करें मैं यूनिक हूँ सबसे दुनिया से मैं सबसे मुख्तलिफ बनकर दिखाऊँगा ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें इसके बाद मेरे भाई सबसे आखिरी चीज़ ये है पर्सनलिटी डेवलपमेंट के लिए कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे ये जो चीज़ें हमको सिर्फ़ इस्लाम ने दी है जो दुआ वाला मामला है ये सिर्फ इस्लाम ने हमको दिया है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा हम सारे काम करेंगे और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे अल्लाह रब्लम ने कहा आप को मखातब करते हुए फ़ैर आज़म तफ़ल आल्ला कि आप जब अल्लाह कोई किसी काम का आप आज़म कर लें इरादा कर लें हौसला कर लें अगर आप किसी काम का तो अल्लाह अल्लाब्लमी पर करें तो्क्ल करेंब्आमीन पर तोल कैसे करेंगे अल्ला रब्लमी से दुआ मांगेंगे आपलम देखिए बदर के मुक़ाम पर तीन सौ तेरह सहाबाई कराम थे मुखालिफ में हज़ार का लश्कर था देखिए कितनी मायूसी वाली बात थी कि सामने हज़ार का लश्कर है सारे असलह उनके पास है जंगी आलात उनके पास हैं सहाबा कराम के पास कुछ भी नहीं था वो सफर के इरादे से निकले थे लेकिन जंग वाला मामला पेश आ गया इसके बावजूद भी के रोते हैं। पिल पिल आते हैं के दुआ करते हुए कि तो अल्लाह के, के रसूल बस कर दीजिए यकीन अल्लाह तक की दुआ को कबूल करेगा यह दुआ जो है मेरे भाईयों को बहुत बड़ा सहारा है अल्लाह रबी से मशवरा करें हम अल्लाह रबी से मशवरा करने के लिए हमको शरीय ने बात बताई है कि हम इस्ते करें

इस्ते करें दो नमाज़ पढ़ कर रब्बुल आलमीन से चीज़ें मांगेंगे तो यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस कायनात में सबसे बेहतरीन मशवरा देने वाला है सबसे बेहतरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको फील्ड दिखाने वाला है मेरे नौजवान साथियों मैं आपसे बस यही आखिर में आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अपनी पर्सनलिटीज़ को डेवलप करें हम पर्सनैलिटीज़ को डेवलप करने के लिए जो हमारी अच्छी चीज़ें शरीयत ने रखी हैं शरीयत से बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं हम सीखने की कोशिश करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को और ख़ास तौर पर मुस्लिम नौजवानों को उनके मकसद को हासिल करने और मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत करने और अल्लाह रब्बालमी उनके हौसलों को कभी ख़त्म ना न फरमाएँल्ह रब्लम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाएँ अल्लाह रब्लम मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साशें की जा रही हैं अल्लाह ताला उन सा नाकाम बनाएं अमीन व आख़िर दावा अनुद्दुल्लबालमिन वालकम वरहमल वर्कात